नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मेरा प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि अग्निवीर को लेकर जो आर्मी में विशेषकर जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली थी उसका रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। और आज की जो ये खबर है रजिस्ट्रेशन को लेकर है। आप सभी तमाम दर्शकों से हमारा आग्रह है कि इस वीडियो को देखिए, समझिए और रजिस्ट्रेशन करने को लेकर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से आपको SI अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आगे गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा सूचनाओं को लेकर कि जो सूचनाएं अभी आ रही है अग्निवीर जो वायुसेना में जो भर्ती की प्रक्रिया चलनी है उसमें रजिस्ट्रेशन की बात मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से ज़्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन आगे हो ही रहा है। इसी तरह से जैसी बातें आप लोगों को पता है कि अग्निवीर को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और इस मामले में कोर्ट के मामले को जाने की बात सामने आ रही है, तो इन सब चीज़ों के अलावे भी रजिस्ट्रेशन जो अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी को मैं की वेबसाइट पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं आशा रखते हैं हम कि बहुत सारे युवा रजिस्ट्रेशन कर देंगे और कर ही रहे हैं। तो आप दर्शकों से भी हमारी अपील होगी कि रजिस्ट्रेशन कर अपने आप को पहले एक लेवल पर लेकर आइए। आगे की लड़ाई की बात जो होगी ना वो आगे देखी जाएगी कि क्या कुछ डिसीजन आता है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैं आपको पहले समझा देता हूं और वो है आप हमारे स्क्रीन पर ज़रूर देख लीजिए कि क्या हो रहा है, कैसे यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी स्क्रीन पर मैं आता हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जब आएँगे तो इस वेबसाइट पर यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन पर ये टैब आपको अग्निपथ को लेकर बना दिया गया है। इसी टैब पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी कि आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी के लिए आपको ये यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है और इस फॉर्म के सहारे आप पता कर सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसमें कि आपको स्टेट का यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है और ये जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डालना है, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ये जानकारी जब आप ये सब डाल देंगे तो आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ऐसा करके आप देख लीजिए। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अग्निपथ में आप रजिस्ट्रेशन करने जो जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों को ध्यान देना है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। एलिजिबिलिटी के नीचे वाला टैब में यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ेगी। ऊपर में आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नीचे में आपको शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। मैं आपको हिंदी में पढ़कर आपको बता देता हूँ कि इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पंजीकरण करने के लिए दिए गए सभी दिशा निर्देश को पढ़ें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करें। तो ये ध्यान से पढ़ना है। अब अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी पात्रता की जांच करें और उसके बाद पंजीकरण करें। तो ये बातें भी आपको समझ लेनी पड़ेगी कि पात्रता की जांच करिए उसके बाद पंजीकरण करिए। पात्रता मापदंड जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। अभी फिलहाल लिंक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वो जो पात्रता की बात मैंने बता दी है पहले उस टैब से आप चले जाइए। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अग्निपथ में जाकर एलिजिबिलिटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सूचनाएँ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब फिर नीचे आइए, अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पंजीकरण टैब पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पंजीकरण तालिका विंडो खुल जाएगी और उस आवेदन पत्र में दिए गए सभी स्थानों को भर दें। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर देखिए पंजीकरण टैब, इसमें यहाँ पर जो यूजर रजिस्ट्रेशन टैब है वहाँ पर आप इसको क्लिक करिए और इसके बाद आपको ये वाला विंडोज़ के साथ आपको आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद है कि अपनी सभी व्यक्ति की जानकारी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बता दिया गया है जिस प्रकार मैट्रिक प्रमाण पत्र में दी गई हो। अब ध्यान रखिए, कभी कभी होता है ना कि नाम आगे पीछे हो जाता है, तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो जानकारी है आपकी उस जानकारी को ही यहाँ पर डालना है, उसी जानकारी को बेस बनाना है, तभी जाकर आपका आवेदन यहाँ पर स्वीकृत हो जाएगा और आगे आप प्रक्रिया में बढ़ जाएंगे। तो जन्मतिथि, पिता का नाम और शैक्षणिक योग्यता जो डालना है इसमें आपको मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसको आधार बनाना है। अब रही बात कि अभ्यर्थी सुनिश्चित हो कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दिए जाने वाला फ़ोन नंबर और ईमेल पूर्णतः निजी और चालू होना चाहिए। दूसरों की ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर
देना सख्त वर्जित है। आपको याद होगा कि बहुत सारी बातें जो बीच में आई सी एग्ज़ाम को लेकर, उसमें ईमेल आईडी का भी बड़ा झमेला हुआ था कि लोगों ने एक साइबर कैफे में कहीं पर गए, उन्होंने अपना फॉर्म भरवा लिया और वहां पर उन्होंने जो फॉर्म भरे थे उसने किसी तरह का ईमेल आईडी डालकर फॉर्म को सबमिट कर दिया, लेकिन अब उसके लिए समस्या का कारण बन गया वो फॉर्म। तो आप ध्यान रखिए, आगे आने वाले समय में आपके हाथ में एक फ़ोन और ईमेल आईडी होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी सूचनाएं आपको मिलनी हैं वो आपको उसी पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल फ़ोन पर मिलनी है। एडमिट कार्ड भी जैसी जानकारी मिल रही आएगी तो उसी ईमेल पर आएगी। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत होना चाहिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारियों को सही तरीके से भर दिया गया है और उसके बाद सेव टैब पर क्लिक करें। जो आगे फॉर्म आएगा ना, उसमें सुनिश्चित करिए कि सभी जानकारी भेज दिया, उसमें जो डाला गया है वो बेहतर और जो सही था वो डाल दिया गया है, खाली कोई जगह नहीं है, तब जाकर सेव पर क्लिक करना है। देखिए, इस बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो सूचनाएँ भरते समय लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्लिक करते चले जाते हैं और एक सूचना की गलत प्रक्रिया गलत हो जाने से एक बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कोताही नहीं बरतनी है, सही तरीके से फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन सही तरीके से कर लेना है। तो ये बातें यहाँ पर आ गई है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर इसमें बताया गया है कि हमारी वेबसाइट पर एक बार आपका पंजीकरण हो जाने के बाद आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन में आप जब आगे बढ़ेंगे तो वन टाइम पासवर्ड तो लगभग के फॉर्म में होता ही, आप लोग जानते होंगे कि वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा और उससे वो आपको वेरीफाई करना होगा। ये तो यहाँ पर ये कॉमन सी बात है, आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद सफलता इसके बताए वही आगे की प्रक्रिया, इसके बाद सफल पंजीकरण करने के लिए उस OTP को दर्ज कर दें और तत्पश्चात ही अभ्यर्थी की प्रोफाइल हमारी प्रणाली द्वारा बनाई जाएगी। तब वही है, पंजीकरण से आप वेरीफाई करना है, तो ये कॉमन सी बात है, इसको ध्यान रखनी है। अब इसमें बताया गया है आगे कि विभिन्न प्रविष्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य है। इसमें क्या है कि जो भी कैटेगरी में आप जाएंगे ना, वो संभवतः ये बताया गया है, इसमें जो आवेदन है ना सभी अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य है। तो ये भी कॉमन सी बात है, सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जो भी जाएंगे जो इसमें अग्निवीर में, उसको लेकर यहाँ पर पंजीकरण करना होगा। अब है पंजीकरण प्रक्रिया के बाद आपकी ईमेल आईडी ही आपका उपयोगकर्ता नाम मतलब यूजर नेम होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को अपना पासवर्ड स्वयं ही रखना चाहिए जो कि 10 अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड याद रखें। तो इसमें है क्या कि आप जो रजिस्ट्रेशन करिएगा ना, उसमें यूजर नेम जो आप डालते हैं लॉगिन करते समय, वो ईमेल आईडी आपका होगा। और इसमें बताया गया है कि पासवर्ड आपको 10 अंकों का होगा, लेकिन ये किसी को आगे नहीं बताना है, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात की हिदायत भी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ है कि अगर हमारी जो वेबसाइट पर आपका अकाउंट पहले से ही है तो आप अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें इस वेबसाइट पर जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपका जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, तो आप एक बार वहाँ पर लॉगिन करके देख लीजिए, उसी के माध्यम से आपका काम आगे हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा और आप जो स्क्रिप्टन अपने डैशबोर्ड को आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, मतलब कि आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे और वहां पर आप अपने डैशबोर्ड पेज को देख पाएंगे। इसके बाद कहते हैं पंजीकरण लॉगिन पेज के लिए जारी रखने के लिए क्लिक करें। तो अगर आप यहां पर पंजीकरण करना चाहते हैं तो बस सीधा सीधा मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि अब आपको यहां पर आ जाना है और इसको लेकर यही आपको ये कोना पर जो है दिख रहा है, आपको इसी जगह पर आपको क्लिक कर देना है, तब जा कर के रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। यही बातें हैं कि आपको देख लेनी पड़ेगी, देख लेनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको मैं इस पर क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, इस तरह का फॉर्म खुल रहा है और इस फॉर्म में वही सारी बात, राज्य है कौन, किसका इसमें है, आधार कार्ड वाला है, आधार कार्ड का नंबर है, जो UID है, कैंडिडेट का नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है।
तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है, और इसके बाद लॉगिन जब आप करेंगे तो आपको आगे इसका जो भी फॉर्म भरना है वो आपको हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और मैं तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो कि थोड़े नाराज़ हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने कमेंट भी बहुत सारे लोगों का देखा है, नाराज़ हैं, तो आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। थोड़ा सा सुझाव जो हमने आपको दिया है, ये हमारे तरफ से व्यक्तिगत सुझाव है, ऐसे आप सभी समझदार हैं, अपने माध्यम से जो कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बेहतर ही होगा। तो कहते हैं कि जो अभी सामने बातें आई है उसको कर लेनी चाहिए, आगे जैसा भी डिसीजन आता है उसको हम लोग फिर देखेंगे और उसके आधार पर भी फिर उसमें बदलाव होगा। तो ये बातें अभी सामने आई है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जब भी ज्वाइन नेट आर्मी से आप वेबसाइट पर आते हैं तो स्वयं समझिए, स्वयं पढ़िए, स्वयं देखिए। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल तरीका है, सिंपल सी प्रक्रिया है, इसको आपको स्वयं देखना चाहिए। और नोटिफिकेशन भी आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर वही क्लिक कर देता हूँ कि यहाँ पर सीधे सीधे आइए और जो नोटिफिकेशन आपको जो दिखेगा वो इसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन सामने आपको स्क्रीन पर दिख पाएगा, तो इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पर व्यू ऑल में करिएगा तो यहाँ पर और भी नोटिफिकेशन सारा दिख जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दलालों से सावधान रहिए, कोई भी आपको मदद करने के नाम पर आपको बरगला सकता है, आपको किसी तरह से समस्या में डाल सकता है, तो थोड़ा सा बचिए और चौपाल समाचार से जुड़े रहिए। देखिए, हम दिल से समाज के हित में ऐसी खबर जो हमारे अभ्यर्थियों, हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है, उस खबर को हम दिखाते हैं। हम आशा रखते हैं कि चौपाल समाचार से मिलने वाली सारी सूचना उपयोगी हो और आपके लिए हो भी रही होगी, तो इसको लेकर ध्यान रखिए, चौपाल समाचार से जुड़ जाइए। यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी जो आपके हित की और आपके लिए नहीं हो, इसलिए जुड़िए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, इसमें आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है, हम भी मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, तो जुड़िए, समझिए। अग्निवीर की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे ऐसी ही अपडेट को लेकर हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए पुनः धन्यवाद।